इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, ये एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, ये एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट, जो कि हमारे पास 100 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें इसकी MRP 142-150 यानी कि 142 रुपये करीब इसकी MRP है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है टर्बुटालिन सल्फेट्स, ब्रोमोएक्सिन साइटोक्लोराइड्स, गुआपेंसिस एंड मैंथोल सिरप इसके अंदर डाले गए हैं। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए उसकी पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो टर्बुटालिन सल्फेट से वो 1.25 mg, ब्रोमोएक्सिन साइटोक्लोराइड्स 4 mg, गुआपेंसिस 50 mg प्लस मैंथोल 2.5 mg इसके अंदर डाले गए हैं। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल वेट कप के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खांसी अचानक होता है जिसमें हवा तेजी से बाहर निकलती है, इस तरह ये गले या श्वास मार्ग में फंसे बलगम या हानिकारक तत्वों को दूर करने में मदद करती है। अगर किसी रोग या एलर्जी के कारण ऐसा अक्सर होता है तो ये प्रेशर करने वाला हो सकता है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट से गाढ़े म्यूकस को पतला करने में मदद मिलती है, जिससे खांसी को खत्म करना आसान हो जाता है। इससे हवा अंदर लेना बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये एलर्जी के लक्षणों जैसे कि आंखों में पानी आना, छींक आना, गले में जलन से राहत देता है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट्स ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल्स अस्थमा, एम्फिजेमा और ब्रोंकल्स पल्मोनरी डिसऑर्डर वाली खांसी से राहत पहुंचाता है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल वेट कप के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का डोज से डोसेंस की बात करें तो इसका डोज से डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, और इसका डोज से डोसेंस आफ्टर में जाता है, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट को खाना खाने के बाद दिया जाता है। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रही है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट के अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मिचली आना, अपच होना, पेट फूलना, उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, हेडेक होना, पसीना आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट के अंदर 4 दवाई देती है, यानी कि ब्रोमोएक्सिन साइटोक्लोराइड्स, गुआपेंसिस, मेंथोल्स, टर्बुटालिन सल्फेट्स। ब्रोमोएक्सिन साइटोक्लोराइड्स एक म्यूकोलिटिक से जो म्यूकस यानी कि बलगम को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है। गुआपेंसिस एक एक्सपेक्टोरेंट है जो श्वसन मार्ग में होने वाले स्त्रवण को चिपचिपापन कम करके काम करता है। मैंथोल एक ऑर्गेनिक यौगिक है जो ठंडक नुमा संवेदना उत्पन्न करता है और गले की हल्की जलन से राहत देता है। टर्बुटालिन सल्फेट्स एक ब्रोंकोडायलेटर है जो श्वसन नल की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और उन्हें फैलाता है, साथ में वे सांस लेना आसान कर देते हैं। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल करें। अपने मन से ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। ब्रोजेडेक्स एक्सपेक्टोरेंट का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।
ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।